नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक टोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। हरदोई बिलग्राम कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन ने मोहर्रम को संपन्न कराने के लिए काफी चाक चौबंद इंतजाम किए थे। बिलग्राम कस्बे के मोहल्ला सैयदवाड़ा व मैदानपुरा में हजरत इमाम हुसैन का गमश्रद्धा पूर्वक शांतिपूर्ण माहौल में विधिवत रूप से संपन्न हुआ, जिसमें शिया संप्रदाय के लोगों ने अपने घरों में अज़ा खाने सजा कर मातम व मजलिस का इंतजाम किया, जिसमें नोहा व मौलाना सलमान ताबिश ने की तकरीर सुनकर लोग अपने घरों में इमाम हुसैन को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते दिखाई दिए। मौला सैयदवाड़ा के इमाम बाड़े काला में चांद रात को मुहर्रम का चांद देखकर मातम व मजलिस का सिलसिला शुरू हुआ, जो लगातार शिया संप्रदाय के घरों में 10 दिन तक निरंतर जारी रहा, जिसमें लोग मजलिस व मातम करते रहे। पुलिस की व्यवस्था काफी चाक चौबंद रही। इमाम बाड़े कलश से उठने वाला बाड़ा ताजिया केवल रस्मी तौर पर इमाम बाड़ा परिसर के अंदर रखा गया, जहां पर शिया सुन्नी व हिंदू धर्म के लोगों ने इमाम हुसैन के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 10 मुहर्रम की शाम 4 बजे इमाम बाड़े कला में सार्वजनिक रूप से एक मजलिस का आयोजन किया गया, जिसमें अंजुमन बज में हुसैनिया कदीम व अजाए हुसैन ने संयुक्त रूप से मिलकर नोहा पड़ा व जोरदार मातम किया। बाद मगरिब शामे गरीबा की मजलिस हुई व इमाम बाड़े के नजरों में सिलसिला चंद लोगों के दरमियान शुरू हुआ, जो थोड़ी देर बाद समाप्त हो गया। कोविड-19 के इस मुहर्रम की विशेषता यह रही कि नगर की सभी सड़कें रातों में सुनसान नजर आई, कोई भी जुलूस सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं हुआ। बड़ा ताजिया जो 32 कहार के नाम से प्रसिद्ध है, वह भी इस बार भी ईदगाह नहीं ले जाया गया। ईदगाह पर सन्नाटा पसरा नजर आया। बड़े ताजिया के इंतजाम मियां अथर अब्बास रिजवी अंजुमन बजमे हुसैनिया कदीम व अजाय हुसैन के सेक्रेटरिया ने मुहर्रम में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन का आभार प्रकट किया। हरदोई से ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम मिटी न्यूज़।